The silly man talks eagerly. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These are the five layers of atmosphere. और थर्मोस्फीयर को आइनोस्फीयर भी कहते हैं। अब चलिए इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है? फ्रॉम बॉटम, जो सबसे पहले जो लोअर मोस्ट लेयर है जो एटमोस्फेयर का, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसका जो डिस्टेंस होता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। इक्वेटर पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है 16 किलोमीटर, इक्वेटर से ऊपर 16 किलोमीटर तक होता है, जबकि अगर पोलर एरिया में जाओ यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास जाओ तो वहां पर 6 किलोमीटर तक की इसकी हाइट होती है, ठीक है? इसको नेचुरल लैप्स रेट बोलते हैं। किसको? क्योंकि इसी में टेम्परेचर जो है रहता है, टेम्परेचर फॉल यानी इन दिस लेयर द टेम्परेचर फॉल्स विद द एसेंट एट द नेचुरल लैप्स रेट, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड को जो कि मैंने अभी कहा नेचुरल लैप्स रेट, इसका मतलब होता है द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। इट मीन्स कि higher altitude lower temperature, lower altitude higher temperature, मैंने हमेशा आपको बताया। क्या बताया? जैसे ही आप ऊपर जाओगे, like you are a mountaineer and you are climbing at the Mount Everest, okay? So what do you need for that? So you need to carry a cylinder of oxygen because there is lack of oxygen, and you need to cover your body with thick coat because there would be coldness there. You know, maximum peaks on the mountains are covered with snow. I'm talking about Himalaya because they are on higher altitude and they get snowfall every time. Mount Everest और भी उसके जो parallel mountains peak हैं वो सब सालों भर snow से ढके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका altitude काफी ज़्यादा है, वहाँ का temperature काफी down रहेगा। Higher altitude lower temperature and lower altitude higher temperature, you must keep those things in your mind, okay? आगे चलते हैं, यानी temperature -58 degree celsius तक हो सकता है, ठीक है? अब दूसरा आता है stratosphere, look at the board, you can see in the figure, stratosphere जो होता है आपका 50 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है ना? 15 से 16 से आगे 50 किलोमीटर तक आपका जो दूसरा layer है एटमॉस्फेयर का, जिसका नाम स्ट्रेटोस्फीयर है वो है, ठीक है? इसके बाद मेसोस्फीयर आता है, तो मेसोस्फीयर ये जो है 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर के आसपास तक रहता है। यहाँ का टेम्परेचर जो होता है -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जिसको सबसे कोल्डेस्ट जोन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है? इसके बाद आता है टर्म थर्मोस्फीयर का, जिसको आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये जो लेयर है मेसोस्फीयर के ऊपर है और ये 85 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर के आसपास का इसका रेंज है, ठीक है? ये लोअर पोर्शन जो होता है इसका, किस एटमॉस्फेयर का, थर्मोस्फीयर का जो लोअर पोर्शन होता है वो 100 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक होता है, और जो अपर पोर्शन होता है 400 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक होता है। इसको आइनोस्फीयर बोलते हैं लोअर पोर्शन को, यानी कि ये जो पोर्शन है यहां से लेकर आधा तक तकरीबन, इसको आइनोस्फीयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज एलिमेंट्स यानी पार्टिकल्स जिसको आयंस बोलते हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है? जो कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, रेडिएशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप भी डीटीएच इस्तेमाल करते हो या इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हो तो रेडिएशन से ही आपको नेटवर्क मिलता है, ठीक है ना? तो इस स्फीयर में, आइनोस्फीयर में रेडिएशन आते हैं, इसकी वजह से ही हम टेलीविजन वगैरह इजीली देख पाते हैं। अब जो आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, तो एक्सोस्फीयर जो है 700 के बाद 10,000 किलोमीटर तक आप कह सकते हो काफी हायर एल्टीट्यूड होता है इसे, ठीक है ना? और इसके बाद में स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों लेयर के इंटरैक्शन क्या बोलते हैं? तीनों लेयर के इंटरैक्शन को बोलते हैं बायोस्फीयर। आपको मैं दिखा देता हूं, मैंने बहुत पहले आपको एक पिक्चर दिखाया था। किसका दिखाया था पिक्चर?
तो मैंने आपको दिखाया था पिक्चर इसका, देख सकते हो ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये है लिथोस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है। ये तीनों जो लेयर है, तीनों लेयर के इंटरेक्शन से जो बनता है स्फीयर बनता है, वो क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। यानी बायोस्फीयर में वायु, पानी और जमीन तीनों जरूरी है, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रिंग्स ऑफ द अर्थ, और ये इसका लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है बायोस्फीयर। आप कह सकते हो बायोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। इट इज द इंटरैक्टिव जोन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, इन्वायरमेंट मीन्स एनीथिंग जो कि हमारे आसपास रहता है, ठीक है। द वर्ड इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव के आसपास जो भी वातावरण होता है उसी को इन्वायरमेंट बोलते हैं, जो उसके चारों ओर चीजें पाई जाती हैं, ओके। इन्वायरमेंट दो प्रकार के होते हैं, यानी एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल कंपोनेंट से बनता है, और ह्यूमन इन्वायरमेंट नेचुरल कंपोनेंट को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट और मैन एक दूसरे से काफी रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अब एक टर्म आता है, ये जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस किसको बोलते हैं, रिसोर्सेस का मतलब वैसी सारी चीजें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो हमारे लिए काफी लाभदायक है, उनका हम उपयोग करते हैं, वो संसाधन है, रिसोर्स, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड्स, जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वो रिसोर्स है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स होता है, लैंड है, एयर है, उसके बाद में वाटर है। तो इन तीनों रिसोर्स को हम बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड कर इनको हम पॉल्यूट करते हैं। लाइक सीवेज, सीवेज जो होता है गंदा पानी, नदियों में फैक्ट्रीज और बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनमें से जो सीवेज निकलता है उसको हम नदियों में छोड़ देते हैं, उसमें केमिकल्स होता है बिना ट्रीटमेंट किए उनका। इससे क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ को खतरा है और साथ साथ वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं ड्रिंकेबल वाटर जो है, पोटेबल वाटर कितना कम है, ठीक है। 99% 97% जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, सॉल्टी है, ठीक है। और 3% पानी में, जो 99% पानी मिलता है वो ग्लेशियर के रूप में हिमालय वगैरह जैसे जगह पर बेस्ट वाटर है, ठीक है ना। और जो पानी जो ग्राउंड वाटर में या फिर रिवर्स वगैरह में, उसको हम पूरी तरीके से पॉल्यूट कर रहे हैं। तो क्या क्या होगी, क्या आगे वाला जनरेशन, आने वाला जनरेशन इस वर्ड को समझ पाएगा कि पानी भी कोई चीज होता है, उनके लिए कम से कम हमें बचाना होगा। वैसे लैंड में अनवांटेड मटेरियल को ऐड करके हम लैंड को पॉल्यूट कर रहे हैं, वैसे ही एयर में स्मोक, बहुत सारी चीजों को जो कि हार्मफुल है एयर के लिए, उसमें मिक्सअप कर दे रहे, एयर पॉल्यूट हो जा रहा है और वो घूम के हमारे पास ही आ रहे हैं, हमें ही नुकसान हो जा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान इतना अंधा हो गया है कि अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पाप ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि ये सब सारी रिसोर्स है और ये रिसोर्सेस को अगर हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे, इनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे, तो फिर ये हमारा प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक दो वर्ड है जिसका मैं और यहाँ पे विश्लेषण तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है और एक है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आजकल आप साइंस में पढ़ते हो कि कांच के घेरे में प्लांट्स वगैरह को हम लोग ग्रोथ करवाते हैं, या फिर एक ग्लोबल वार्मिंग वर्ड है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है पूरे वैश्विक लेवल पे जो टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, राइजिंग टेम्परेचर ऑन द ग्लोबल लेवल, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस जो है उनमें वृद्धि हो रहा है। हर साल फ्यू परसेंट ये बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो CO2 और CO की जो मात्राएं वो बढ़ रही है, बढ़ने से पूरे वैश्विक लेवल पे पूरा पृथ्वी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है,
पहले जो टेम्परेचर होता था उससे ज्यादा टेम्परेचर आज हो रहा है। अगर इसको रोका नहीं गया, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आज पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो इनके हमें खा जाएंगे और शायद हो सकता है पृथ्वी से मानव का अस्तित्व खत्म हो जाए। सो मेरे प्रिय छात्रों, मैं अपील करता हूं, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ डीआईएस कि आप लाइफ में कुछ करो या ना करो, लेकिन मतलब अपने जो तो जीविका के लिए सब कोई करता है, कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, टीचर बनता है, एक्सेट्रा दुकान वगैरह चलाता है, लेकिन एक जिस ये जो सोसाइटी का ये जो एटमोस्फियर का ऋण हमें रहता है उसके लिए कम से कम एक या दो पेड़ जरूर आप लगाओ ताकि वो बड़ा होकर आपके आने वाले जनरेशन को फ्रेश एयर दे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं पे मैं फिनिश करता हूं और आपसे मैं एक और आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा कि इस बुक का जो बुक वर्क है उसको आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए और कंप्लीट करके इसको व्हाट्सएप पे भेजना चाहिए। आप वीडियो थोड़ा बहुत देख लेते हो, अगर आखिरी वर्ड नहीं कंक्लूजन ही देखते हो तो बहुत गलती करते हो। आप वीडियो जो दिया जा रहा है उसको पूरी तरीके से देखो, टीचर कंक्लूड कर रहे हैं, लास्ट में फाइनली कुछ कह रहे हैं, उसको सुनना काफी जरूरी होता है क्योंकि उसमें आपका टास्क छुपा रहता है, आपका इंप्रूवमेंट उसी में छुपा रहता है, ठीक है। तो बेहिचक आप क्या करो, इसके बुक वर्क को कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 5 इन जियोग्राफी द 4 रिंग्स ऑफ द अर्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, लैंड एंड सी टोपोग्राफी। थैंक यू वेरी मच।